और आप सभी को छायन दीप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। कल वर्ग तीन का जो रिजल्ट है उसको लेकर हम बात करने आए हैं। इसके अलावा कुछ कुछ और बड़े अपडेट हैं, जैसे कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हम क्वालिफाइड लिखे हैं उसका क्या होगा। इसके अलावा एक और प्रश्न लगातार आ रहा है कि क्या अभी आंसर की भी जानकारी हो चुकी है, तो बिल्कुल इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में रुके रहें ताकि मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो फरवरी 22 और मार्च 22 में ये पेपर हुए थे, और जिसके पेपर जो फॉर्म डाले थे 2020 में डाले थे। काफ़ी लंबा इंतजार के बाद रिजल्ट आ चुका है वर्ग तीन का, फाइनली ये रिजल्ट आ चुका है। और इसमें एक कंफ्यूजन जो हो रहा है कि क्या आंसर की आ चुकी है, तो यस मैं आपको बता दूं कि आंसर की भी आ चुकी है। जब आप एग्ज़ाम शेड्यूल में जाओगे तो एग्ज़ाम शेड्यूल में जहाँ पर लिखा रहता है जो एग्ज़ाम शेड्यूल है कब कौन सा पेपर हुआ था, तो जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे जब आप देखोगे 2020 में जाओगे तो अब आपको आंसर की भी मिल जाएगी। और यहाँ पर सारी की सारे हर एक पेपर की आपको डेट और एप्लीकेशन नंबर डालने होंगे, जिस आधार पर आपको आंसर की भी मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अभी जो है वेबसाइट मेरे पास स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। तो ऑब्वियस सी बात है, दो तीन दिन आपके लिए दिक्कत होगी, दूसरे तीसरे दिन आपको वेट करना है। इतनी जल्दी अभी काउंसलिंग चालू नहीं हो रही है, घबराना नहीं है। दो तीन दिन के अंदर आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा और आपको आंसर की भी मिल जाएगी। हालांकि व्यापम ने अपनी तरफ से अपलोड कर दी गई है, लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा बल्क आ रहा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, जिस कारण से वो वेबसाइट तक ओपन नहीं हो पा रही। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन लेकर आए हैं बच्चे, कुछ कह रहे हैं कि सर मेरे क्वालिफाइड लिखा आ रहा है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो गया है। नहीं, पूछा था मेरे से कि सर समझ में नहीं आ रहा है रिजल्ट क्वालिफाइड तो लिखा है। गुड मॉर्निंग सर, तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल लाजमी है कि आपको कन्फ्यूजन होगा ही। तो आप पहले ये समझें कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मंगाई थी कि अगर आप क्वालिफाइड राउंड जो है वो कम से कम 90 नंबर लाए थे, इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल कर दे रहा हूँ। अगर आपकी जैसे मान के चलो कोई सीट खाली है और आपके नंबर से कम है तो वो सीट खाली ही रहेगी, क्योंकि आपने क्वालिफाइड नहीं किया है। मतलब मिनिमम आपको 90 नंबर चाहिए थे, चाहे वो सीट खाली ही क्यों ना रह जाए। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यदि मान के चलिए इंग्लिश में खासतौर से ऐसा होता है कि इंग्लिश में स्टूडेंट कई बार कम मिलते हैं, तो इंग्लिश में स्टूडेंट कम मिलने के कारण वो खाली रह जाती, क्योंकि बच्चे क्वालिफाइड तक नहीं कर पाते। तो कम से कम आपको 90 अंक लाना अनिवार्य था। हाँ, लेकिन चूंकि आपकी रैंक अगर आप इस रिजल्ट में आप देखोगे तो रैंक लगभग काफ़ी पीछे है, लगभग 4000 के आसपास है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ हो, क्योंकि इतनी वैकेंसी नहीं थी। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्वालिफाइड लिखने से इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन दिल बहलाने के लिए ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप वेटिंग लिस्ट में, लेकिन वेटिंग भी आपको पता है इतनी क्लियर नहीं हो सकती कि आपकी 4000 क्रॉस कर जाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत बधाई, और जिनका रह गए हैं तो अगली बार थोड़ी सी तैयारी करें, क्योंकि 2023 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, चुनावी वर्ष है, तैयारी करते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।